हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैनास मैजिक बुक। मैं हूं नैना और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच स्मॉल नंबर। बच्चों को स्मॉल नंबर आइडेंटिफिकेशन करवाना कैसे सिखाए, उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूं। लेट्स स्टार्ट। स्मॉल नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग आनी बहुत ज़रूरी है और नंबर आइडेंटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नंबर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चा स्मॉल नंबर आइडेंटिफिकेशन करना नहीं सीख पाएगा या बिग नंबर या कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो नहीं क्लियर कर पाएगा। सो फर्स्ट टीच देम बेसिक्स नंबर्स एंड नंबर आइडेंटिफिकेशन। हाउ टू टीच स्मॉल नंबर, हियर आई गेव नंबर 3 and 6। सो जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर लिखा है 1 to 10 नंबर्स मैंने फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी है। सो नंबर 3 and 6 विच नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उसमें से कौन सा नंबर पहले आता है। जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करवा गया 3 and 6, 3 and 6 में से कौन सा फर्स्ट आया, 3। सो 3 इज अ स्मॉल नंबर। आई गेव हियर नंबर 8 and 2, वेयर इज नंबर 8, हियर। वेयर इज नंबर 2, हियर। 2 and 8 विच नंबर कम्स फर्स्ट, फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हुए कौन सा नंबर पहले आता है, 2। सो 2 इज अ स्मॉल नंबर। इन अ सेम वे आई गेव हियर नंबर 5 and 7, वेर इज नंबर 5, हियर। वेर इज नंबर 7, हियर। सो व्हेन फॉरवर्ड काउंटिंग जब हम बोलते हैं 1 to 10, सो 5 और 7 में से कौन सा नंबर पहले आता है, 5। सो 5 नंबर इज अ स्मॉल नंबर। इस तरीके से आपको बच्चों को स्मॉल नंबर सिखाने हैं। यहाँ पे 10 है और 11 है, 10 and 11, 2 digits नंबर्स आर देयर। सो टेक लेफ्ट साइड नंबर 1, 1, बोथ नंबर्स आर सेम। देन टेक राइट साइड नंबर, राइट साइड नंबर है 0 and 1। सो विच इज स्मॉल नंबर, 0। सो 10 इज स्मॉल नंबर। 1, 4, 14 and 1, 2, 12, सेम लेफ्ट साइड नंबर्स आर सेम। सो टेक राइट साइड नंबर 4 and 2, 4 and 2, विच नंबर कम्स फर्स्ट, 2 or 4, कौन सा नंबर पहले आता है, 2 आता है कि 4। सो 2, सो 1, 2, 12 इज अ स्मॉल नंबर। हियर आई गेव नंबर 2 and 16, 1 digit नंबर एंड 2 digit नंबर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 1 digit नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 digit नंबर। सो 2 इज स्मॉल नंबर। इस तरीके से आपको बच्चों को सिखाना है। पहले आप 1 to 10 नंबर्स के अंदर के नंबर दीजिए बच्चों को स्मॉल नंबर आइडेंटिफाई करवाने के लिए। आफ्टर दैट 11 to 20 दीजिए, 21 to 30 दीजिए। धीरे धीरे नंबर्स को इंक्रीज करते जाइए। जब इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे और उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।